हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए बेटा, आज हम क्लास सेवेंथ में वीडियो नंबर 52 करेंगे। हमारी सिक्स्थ जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद हम न्यू चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आंकड़ों का प्रबंधन। थर्ड जो चैप्टर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह चैप्टर है। हैंडलिंग डाटा आप लोग करते आ रहे हैं, वही है ये चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को देखिए आप, इसमें क्या करना होता है, कैसे करते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन, हैंडलिंग द डाटा। क्या होता है हैंडलिंग द डाटा? तो देखिए, सबसे पहले होता है डाटा का कलेक्शन। आंकड़े होते हैं डेटा और उसका संग्रह यानी कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जितनी जानकारियाँ आपको जुटानी हैं उन सबको इकट्ठा करिए, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे, डाटा कलेक्शन या आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, उसके बाद में आपको आंकड़ों को क्या करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है, यानी ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ डेटास जितना भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक टेबल्स, मतलब एक व्यवस्थित तरीका, एक बिल्कुल मैनेज करके पढ़ना किस तरह से आप जो है डेटास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है इनमें कि एक बिल्कुल ग्रुप बना दिए जाते हैं कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना, अब जैसे आपने ये ग्रुप बना दिया, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस ग्रुप को इस तरह से व्यवस्थित करो कि सबसे जो फर्स्ट रैंक का बच्चा है ना, वो ऊपर ऊपर आए, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आशीष के हैं, तो फर्स्ट रैंक का बच्चा ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद होता है प्रतिनिधि मान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज क्या होता है कि मान लीजिए 7 दिन आपने लगभग पढ़ाई करी, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, तो अगर हम एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कि कुल मिलाकर अगर देखें और रोजाना के हिस्से को बांटें, तो एवरेज होता है कि 7 दिन में आपने औसतन इतने घंटे की पढ़ाई की है। ठीक है, तो कुछ हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर होता है, आज इतने डिग्री है, कल उतने डिग्री है, तो अगर हम एक महीने का टेम्परेचर देखें तो औसत निकालेंगे एक महीने का, एक वैल्यू निकालने के लिए जो है एवरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एवरेज यानी क्या होता है, प्रतिनिधि मान। ठीक है, अब उसके बाद में प्रतिनिधि मान जो है, प्रतिनिधि मान के बाद में आता है अंक गणितीय माध्य। माध्य होता है मीन, इसे आप बोल सकते हैं, और ये जो मीन होता है ये बिल्कुल एवरेज जैसा ही है। मीन मीन्स एवरेज। इसमें होता क्या है, टोटल जो होता है ना, जितने भी आपके टोटल नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं और उन सब का एडिशन ऊपर करते हैं, तो वो निकल जाता है मीन। तो देखिए क्या होता है, तो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आप इसे कहेंगे मीन इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है, मतलब जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, एग्जांपल में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अगर कोई बच्चा 3 दिन तक लगातार, एक दिन 6 घंटे, एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, तो आपको इसका औसत बताना है या इसका माध्य बताना है या फिर इसका एवरेज या मीन बताना है, तो आप क्या करेंगे कि देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 6 + 4 + 5 है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2 और 3, तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद एक और, प्रसार या परिसर। क्या बात करते हैं, प्रसार या परिसर, इंग्लिश में से बोलते हैं रेंज ऑफ डेटा या रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज ऑफ डाटा या क्या होता है, जो भी आपको एक डेटा प्रस्तुत किया गया है, इस डेटा में जो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा जो है उसमें से सबसे कम वाले को माइनस। देखिए सबसे ज़्यादा इस वाले में अगर देखें तो आप 56 है, और सबसे कम जो है वो इसमें अगर आप देखेंगे तो 25 है, तो 56 में से 25 को लेस कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा,
इसका परिसर या रेंज ऑफ डाटा हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट डेटा में से लोएस्ट डेटा को आप माइनस कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेंज ऑफ द डाटा या परिसर। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ, जैसे जो ग्राफ होते हैं वो कई तरीके के ग्राफ होते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो इस तरह से इस तरीके से बनाए जाते हैं, इन्हें आप बोलते हैं दंड आरेख, दंड आरेख हिंदी में उनको बोलते हैं, या फिर बार ग्राफ बोलते हैं। तो बार ग्राफ क्या होता है, इंग्लिश में बोला जाता है, इस तरीके के जो होते हैं, जो लाइन ग्राफ होते हैं ना, ऐसे तरीके के जो ग्राफ होते हैं सिर्फ लाइन से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय ग्राफ बोलते हैं, लीनियर ग्राफ्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पिक्टोग्राफ भी होता है जिसमें ऐसे ऐसे तरीके के डायग्राम्स बनाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, पिक्टोग्राफ, ठीक है। और एक आपको पता है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, डाटा जो है डाटा हैंडलिंग में पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह की मार्क टेबल, ठीक है, टैली मार्क टेबल या बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। इसके आगे हम एक्सरसाइज कल करेंगे, आपको बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दी है ग्राफ्स के बारे में, तो हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको मीन से रिलेटेड और रेंज ऑफ डाटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें हम करेंगे। थैंक यू।